हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ठीक तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब आदमी एक जगह एकजुट होकर बैठे हुए हैं। अभी हम लोग सब आदमी जो है सदमे में भरे हुए हैं। सदमे रख दीजिए सब। अब क्या बताएंगे आप लोग को, आप लोग से यही विनती, अभी लाइव हम लोग को इसलिए आना पड़ा कि आज की स्थिति देख करके, आज की इतनी स्थिति खराब हो चुकी है हम लोग का कि अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं, लोग बोल नहीं सकते। आज भर दिन कोई खाना भी नहीं खा पाए थे और इस तरह का टेंशन हुआ था, इस तरह इतना बड़ा हादसा। एक तो आप लोग जानते ही हैं कि 4-5 महीने से किस हादसा से हम लोग उभरे हुए हैं और किस हादसा में किस कंडीशन में हम लोग चल रहे हैं। और आप लोग मैम सब, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जो कर रहे हैं तो हम लोग कैसे जिंदगी अपन कर पाएंगे। बार बार हम लोग इसी हादसे में डूबे रहेंगे तो फिर कैसे हम लोग उभरेंगे। आप लोग की कृपा से हम लोग उभरे हुए थे और आप ही लोग हम लोग को फिर बार बार ऐसे डुबा रहे तो फिर क्या करेंगे, बताइए आप ही लोग। देखिए दोस्तों, पापा वहाँ पे हैं, पापा भी बहुत मतलब तबीयत खराब रहता है ऐसे, क्या कर क्या बताए, अपने हालत बहुत खराब है अभी भी। मम्मी का तो पूरा हालत खराब है, देख सकते हैं। देखिए इसमें तो आप लोग कमेंट करते हैं कि शादी की तो बहुत बधाई हो, लेकिन शादी के चलते इतना विवाद जो है खड़ा हो रहा है, तो इस तरह का विवाद आप लोग प्लीज मत कीजिए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी में जो है ऐसे कर जो क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोग शादी आखिर क्यों, कि पहले तो आप ही लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि आरती कैसे अपना जिंदगी यापन कर पाएगी, क्या कर पाएगी। टेंशन मत लो बहन, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए कैसे टेंशन लेने की बात इसमें कैसे नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप मान के चलिए। अभी मतलब अब तो अपने आंखों से तो नहीं देखे लेकिन सुनाई में तो आ रहा है कि एफआईआर कर चुके हैं। अगर इतना बड़ा हम लोग तो केस लड़ ही रहे हैं और आप लोग आर्थिक स्थिति भी देख सकते हैं कि कितना अथी है, किस स्थिति से हम लोग अभी भी गुजर रहे हैं, किस कंडीशन में हैं अभी भी, और इतना बड़ा हादसा होते जा रहा है। कभी भी हम लोग खुशी नहीं रह पाते हैं, एनी टाइम जो है गम ही गम आता है और अभी भी गम में ही है हम लोग, खुशी नहीं है। लेकिन आप लोग बार बार यही सब क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। हम लोग भी एक परिवार है ना, हम लोग को भी एक परिवार समझिए। बोल रहे हैं किंग ऑफ केसर यादव, टेंशन मत लो, टेंशन लेने की बातें हैं, टेंशन लेने की बातें हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना दबाव आ रहा है चारों तरफ से। यह दुनिया वाले यहाँ कुछ भी हो सकता है, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो, भगवान से प्रार्थना करो कि अभी बात ठीक हो। तो देखिए हम लोग तो ठीक ही बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह जो कर रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे जिंदगी काट पाएंगे। इस तरह बेवफा है तो दीदी टेंशन मत लो, आप देखिए हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन टेंशन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसे ऐसे हादसा होगा तो टेंशन तो आना ही पड़ेगा ना, टेंशन तो लेना ही पड़ेगा ना। राजा रानी हम लोग नहीं ना कर रहे हैं, नहीं कुछ मीडिया वाले कर रहे हैं, कर रहा है वही ना मीडिया वाले ही भाई सबसे ना बोल रहे हैं ऐसे, मतलब इस तरह का नहीं करना चाहिए था आप लोग को। अरे भाई आप लोग को तो हम दे ही रहे थे बाइट, ऐसा थोड़े तक हम बाइट नहीं दे रहे थे। देखिए इंडिया आर्मी मीडिया से क्या लेना, जिसको बोलना है बोलने दो मीडिया से। देखिए भाई हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एफआईआर कर दिए हैं उन, मतलब देखिए उधर से आप ही उनटले आइए आए घर में, कितना अच्छा से आपको बाइट दे ही रहे थे, आप ही उनटले सारा चीज करके आप ही जाके वहाँ पे एफआईआर कर दिए तो अच्छा नहीं होता है मीडिया। एक जगह शादी करके अच्छा किए, निसार अलैहिन नहीं पांडे, हम सब लोग आपके साथ हैं,
साथ दीजिएगा, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ पाएंगे, ऐसे ही साथ दीजिए।